मॉर्निंग गाइस, हैप्पी दिवाली आप सभी को। मॉर्निंग का टाइम है और आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड देख के एकदम दिवाली वाली वाइब्स आ रही है और मॉर्निंग वाली पूजा हो गई है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए किचन में। चलो चलते हैं, आपको भी एक दो झलक दिखला देती हूँ। किचन हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के किए हैं और सुबह की पूजा भी हो गई है और अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। बहुत सारे काम हैं, टाइम नहीं है। मैं सोची कि बीच में ब्लॉगिंग, इससे पहले मैं सोची थी कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी लेकिन काम के चक्कर में भूल ही जाती हूँ। तो चलो अभी पूजा का काम हो गया है, पूजा कर लिए मॉर्निंग वाली, जल्दी से खाना बनाते हैं और इवनिंग भी यहाँ बहुत जल्दी हो जाती है तो उससे पहले पूजा की से इवनिंग की पूजा वाली तैयारी करनी है तो सबसे पहले खाना बनाने चलते हैं। फ्रेंड्स, आ गई मैं किचन में और इधर मैं चढ़ा दी हूँ सूरन पकने के लिए किचन में। और आप लोग देख सकते हैं कि गैस के ऊपर चढ़ी हुई है कुकर में सूरन पकने के लिए रखी हुई हूँ बॉईल होने के लिए। रही हूँ प्याज और ये प्याज छिलकर मैं इसमें रख दी हूँ। इधर मटर छिल के रखी हूँ, इधर लहसुन छिल के रखी हूँ और इधर दाल भी भिगोया हुआ है। मुझे बहुत सारा आइटम खाने का बनने वाला है और वो भी मैं बनाने वाली हूँ लेकिन उससे पहले तैयारी करनी है। बाद मतलब कि जो हैवी वाली तैयारी होती है वो कर ली हूँ। मटर छील ली हूँ, प्याज छील ली हूँ, सूरन चढ़ा दी हूँ। बस सूरन की सब्जी बनानी है, कचौड़ी बनानी है और मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ, बस इतना ही। और खीर बनानी है तो ये सारा सब कुछ मुझे अकेले बनाना है तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। आप लोग भी बने रहिएगा ब्लॉग में, जाइएगा नहीं। खाना तैयार बन गया है खाना और अभी मैं लेकर बैठी हूँ फूल, उसको माला बनाने के लिए लंबा लंबा माला ला दिए हैं मेरे हस्बैंड, तो उसको छोटा छोटा बनाना है और फूल को तोड़ना है रंगोली में लगाने के लिए। आपको दिखाती हूँ, ये है फूल, इसको तोड़ तोड़ के अलग कर दूँगी, उसके बाद से फिर रंगोली में इसको डेकोरेट करने के लिए लगेगा। तो इवनिंग की पूजा हो गई मेरी और बहुत अच्छे से हुई है, काफ़ी अच्छे से मैं पूजा की हूँ। और अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, दिया इधर उधर जला रहे हैं, इधर मतलब घर में सब जगह रख रहे हैं। इवनिंग की पूजा हो गई है, सब अच्छे से हो गया है, अभी दिया जला रहे हैं सब जगह और अब सोच रहे हैं कि थोड़ा फोटो वोटो भी क्लिक कराया जाए और रील्स भी बनाया जाए। इस दिवाली की पूजा हो गई है और अभी हम लोग आराम से बैठे हैं, थोड़ी मिठाई उठाई खा रहे हैं
और थोड़ी देर बाद दिया हुआ अच्छे से जल जाए, उसके बाद हम जाएंगे पुराने घर इनके फ्रेंड से मिलने, और भी जगह जा सकते हैं, लेकिन पहले अपने घर का सारा काम कर लें उसके बाद जाएंगे। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं पुराने घर के लिए और इनके फ्रेंड के घर जाएंगे, तो चलो चल के मिलते हैं। आज रोड में भी काफ़ी भीड़ है, काली पूजा है उसकी वजह से, दुर्गा पूजा दिवाली है, सॉरी दुर्गा पूजा भीड़ देख के दुर्गा पूजा याद आ रहा है, काली पूजा एंड दिवाली, तो बहुत ज़्यादा रोड में भीड़ है, आज रात भर रहेगा। आ गए और हमारे मोहल्ले में देखिए कि काफ़ी भी है, ये रौनक रात भर रौनक रहेगा, काली पूजा है, सब लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं मजे कर रहे हैं। अभी आ गए हैं हम लोग घर और पुराने घर आज नहीं जा पाए, सोच के तो निकले थे कि इनके फ्रेंड के घर जाएंगे पुराने घर जाएंगे, लेकिन फ्रेंड के घर इतना लेट हो गया कि फिर हमें लगा कि वहाँ सब लोग सो गए होंगे, तो आज तो नहीं गए, कल जाएंगे। तो मिलते हैं कल, फिर मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट होगा, और अभी के लिए इतना ही, बहुत रात हो गई है, अभी ब्लॉग बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, बहुत सारा रील बनाई मैं आज, तो चलो गाइस मिलते हैं कल, बाय बाय गाइस, हैप्पी दिवाली वंस अगेन गाइस, हैप्पी दिवाली आप सभी को।